गुड आफ्टरनून एवरीवन। एक बार प्लीज कंफर्म कर दो, कैन यू सी माय स्क्रीन नाउ? और आपको मेरी आवाज भी आ रही है ठीक से? एक बार आप चैट पे कंफर्म कर दो, देन मैं इसको प्रेजेंटेशन मोड पे पुट करता हूँ। थैंक यू सो मच। सो लेट मी जस्ट पुट इट ऑन द प्रेजेंटेशन मोड एंड उसके बाद यू विल गेट स्टार्टेड। ओके, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू टुडे सेशन। एंड जैसा कि हमने ऑलरेडी कम्युनिकेट किया है कि आज का जो हमारा ट्रेनिंग होगा इट विल बी अबाउट फेसबुक लीड जनरेशन एड्स। तो हम सबसे पहले बात करेंगे फेसबुक एड्स मैनेजर की, उसके बाद हम प्रॉपर डेमो ले लेंगे कि आप एक अच्छा और इफेक्टिव लीड जनरेशन एड कैसे सेट कर सकते हैं। एंड देन ऑफ कोर्स हम थोड़ा कंटेंट एंड कैप्शंस या पिक्चर्स को लेके भी हल्का सा ओवरव्यू देंगे। वो ड्यूरिंग डेमो हम सिलेक्ट पिक कर लेंगे कि किस तरीके की पिक्चर्स, किस तरीके की इमेज या किस तरीके के कैप्शंस आपको ज़्यादा फोकस में रखने चाहिए। आई थिंक हमने ऑलरेडी लास्ट ट्रेनिंग में काफ़ी डिटेल अकाउंट दिया था कि किस किस वजह से आपके ऐड डिसअप्रूव हो सकते हैं। और मेरे पास दिन में आई थिंक हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ स्क्रीनशॉट आते हैं फ्रॉम कंसल्टेंट्स, फ्रॉम ब्रांड पार्टनर्स, फ्रॉम अक्रॉस इंडिया। और सब में एक ही चीज़ होती है, या तो वो नेटवर्क मार्केटिंग, या तो वो वर्क फ्रॉम होम, या तो वो मल्टी लेवल मार्केटिंग को प्रमोट करते हैं। और इन मोस्ट ऑफ द केसेस आपकी इमेज में स्क्रीन कॉन्टेंट इतना ज़्यादा होता है कि वो फेसबुक अलाउ नहीं करता। तो ये चीज़ हमने ऑलमोस्ट अब एक साल से कम्युनिकेट करते आए हैं। हमने काफ़ी बार डेमो भी दिया है, हमने काफ़ी बार आपको ट्रेनिंग में सिखाया भी है, बट स्टिल लाइक यू नो ये चीज़ बार बार हो रही है और इसकी वजह से आगे जाके आपको और काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपके काफ़ी ऐड रिजेक्ट हो रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आपका जो टूल है, आपका जो ऐड अकाउंट है, वो भी ब्लॉक हो जाएगा। तो उस केस में आपको थोड़ा सा ख्याल रखना है, डू नॉट गो क्रेजी। ठीक है, मेरा एक ऐड डिसअप्रूव हो गया, फिर आपने दोबारा से एक और ऐड चलाया, वो भी डिसअप्रूव हो गया, फिर आपका तीसरा ऐड भी डिसअप्रूव हो गया। डू नॉट थिंक कि ठीक है कभी ना कभी अप्रूव होगा या मे बी ये वाला अप्रूव हो। नहीं, अगर आपके सीरीज में बहुत सारे ऐड डिसअप्रूव हो रहे हैं, तीन चार ऐड एक साथ डिसअप्रूव हो रहे हैं, तो इमिजिएटली आपका अकाउंट फ्लैग होता है और उसके बाद से पॉसिबल नहीं है आपके लिए कि आप उस ऐड अकाउंट से दोबारा से ऐड रन कर सको। आपको एक नया ऐड अकाउंट क्रिएट करना है, फिर आपको उसका भी मैकेनिज्म ढूंढना पड़ेगा, नया ऐड अकाउंट कहाँ से क्रिएट करूँ वहाँ, फिर उसके लिए आपको बिजनेस मैनेजर में जाना है। तो काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं चीजें अगर हम सिंपल लॉजिक, सिंपल कॉमन सेंस और एक सिंपल अप्रोच को फॉलो नहीं करते हैं। जितना आप ज्यादा कॉम्प्लिकेट करोगे चीजें अपने लिए, उतनी ही ज्यादा आपको आगे जाके प्रॉब्लम्स हो जाएंगी डिजिटल में। डिजिटल इज ऑल अबाउट कॉमन सेंस, इट्स ऑल अबाउट जो भी हम लॉजिक अप्लाई कर सकते हैं। इट्स नथिंग रॉकेट साइंस, इट्स नथिंग न्यू। आप एग्जैक्टली वही काम कर रहे हो जो आप सालों से करते आए हैं, बस यहाँ पे आपको थोड़ा सा कंटेंट को वो डायरेक्शन देना है, अपने अप्रोच में वो चीज लेके आनी है। ओके, सो प्लीज पे अटेंशन। और बाद में जो भी आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे, आई विल बी रियली ग्लैड कि मैं आपको उन सारे सवालों का भी आंसर दे पाऊं, बट सारे क्वेश्चन हम एट द एंड ऑफ द सेशन लेंगे। नाउ टॉकिंग अबाउट लीड जनरेशन, सो फेसबुक में हमारे पास दो टाइप के एड्स हैं। एक एड होता है लीड जनरेशन एड, जिसका नाम ही है लीड जनरेशन, और दूसरा होता है मैसेज एड। यानी अगर हमें लीड चाहिए फेसबुक से, प्राइमरीली अगर हमें डायरेक्टली किसी का इंटरेस्ट चाहिए जो हमारे बिजनेस के साथ जुड़ना चाहते हैं, उस चीज को लेके हम दो तरीके के एड रन कर सकते हैं। एक होता है लीड जनरेशन और दूसरा होता है मैसेज। अगर आप देखोगे दोनों का ऑब्जेक्टिव सेम है, यानी कोई बंदा हमारे पर्सन बिजनेस में इंटरेस्ट दिखाता है तो वो हमारे पास लीड आती है। ऑब्जेक्टिव दोनों के सेम है, लेकिन दो अलग अलग ऐड इसलिए है क्योंकि जो लीड जनरेशन वाला ऐड है उसमें क्या होता है, आप एक कॉन्टैक्ट फॉर्म सेट करते हो और जो भी आपकी लीड्स आती हैं वो आपको उसी कॉन्टैक्ट फॉर्म में डिटेल्स देती हैं। और वो कॉन्टैक्ट फॉर्म आप कहाँ से डाउनलोड करते हो, पब्लिशिंग टूल से, जो मैं आपको आगे जाके डेमो में भी दिखा दूंगा। ओके,
और दूसरा होता है मैसेज वाला ऐड। मैसेज वाला ऐड का भी सेम ऑब्जेक्टिव है, यहाँ पे भी आपके पास लीड्स आती हैं, बट फर्क इतना है कि लीड जनरेशन वाले ऐड में आप एक कॉन्टैक्ट फॉर्म सेट करते हैं, मैसेज वाले ऐड में आपको कोई भी कॉन्टैक्ट फॉर्म सेट नहीं करना होता, आपको एक कन्वर्सेशन टेम्पलेट या आपको एक चैट सेट करना होता है और जो भी लीड्स आती हैं वो डायरेक्टली आपके फेसबुक के इनबॉक्स में ही आते हैं। तो ये डिफरेंस है इन दो एड्स में, लेकिन ऑब्जेक्टिव और पर्पस दोनों का सेम है और ये आप पे टोटली डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का ऐड रन करना चाहते हो। आप ट्रेडिशनल लीड जनरेशन ऐड भी चला सकते हो, आप मैसेज वाला ऐड भी चला सकते हो, चॉइस इज टोटली योर्स। ओके, नाउ अगर आप इंस्टाग्राम भी करते हो, क्योंकि फेसबुक और इंस्टाग्राम कनेक्टेड है, तो अगर आपका फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम कनेक्टेड है तो जब आप फेसबुक पे ऐड रन करते हो वही ऐड ऑटोमेटिकली आपके लोगों को भी चला जाता है जो कि इंस्टाग्राम पे है, राइट? तो इंस्टाग्राम पे भी आप इजिली फेसबुक ऐड टूल थ्रू अपने ऐड रन कर सकते हैं। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर आपको लीड जनरेट करनी है, लीड जनरेशन के लिए ये दो बहुत क्रिटिकल ऐड टेम्पलेट्स हैं और आइडियली आपको दोनों ऐड रन करने चाहिए अगर आपके पास बजट है। इसमें ये डिफरेंस है कि जो लीड जनरेशन है ये थोड़ा सा ज्यादा कॉस्टली हो जाता है एज कम्पेयर टू योर मैसेज ऐड, लेकिन दोनों ऐड काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इफेक्टिव है आपका बिजनेस बढ़ाने के लिए। ओके, तो दिस इज द डिफरेंस आई वाज टॉकिंग अबाउट। मैकेनिज्म बहुत सिंपल है, दोनों का ऑब्जेक्टिव सेम है, लीड्स लीड्स लीड्स। लेकिन लीड जनरेशन में क्या होता है, जब आप एक ऐड सेटअप करते हो आप उसमें एक कॉन्टैक्ट फॉर्म रखते हो जहां पे आपकी लीड कैप्चर होती है, फिर जो आपके पेज में ऑप्शन आता है पब्लिशिंग टूल्स का, सारी लीड वहां पे जमा होती है जहां से आप उन लीड्स को डाउनलोड कर सकते हो, एंड देन यू कैन स्टार्ट फॉलो अप, यू कैन स्टार्ट कॉलिंग दोज पीपल। आजकल बहुत केसेस में आपने देखा होगा कि ऑटोमेटिक कॉल्स आते हैं हमारे पास, तो आप ऑटोमेटिक कॉल का कोई भी सॉफ्टवेयर ले लो या किसी की पेड सर्विस ले लो, तो आपको कॉलिंग भी करना जरूरी नहीं, आप उनको एक रिकॉर्डिंग भेजो, ए थैंक यू सो मच आपने हमारे ऐड पे इंटरेस्ट दिखाया है, अगर आप और जानना चाहते हो हमारे बिजनेस के बारे में तो वन प्रेस करें, राइट? तो अगर किसी ने भी वन प्रेस किया उस ऑटोमेटिक कॉल पे, तो इट मीन्स दैट उसको आप फिर यू नो रीच आउट कर सकते हैं दोबारा से, बिकॉज दे हैव शोन इंटरेस्ट नाउ अगेन। तो दैट इज दिस इज जस्ट एन आइडिया, बट यू कैन डू दैट थिंग एज वेल अगर आपको कॉलिंग करना अच्छा नहीं लगता है। ओके, देन सेकेंड थिंग इज मैसेज ऐड। अगर आप मैसेज ऐड देखोगे, ये भी फेसबुक ऐड टूल से आपको रन करना है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपका लीड कॉन्टैक्ट फॉर्म में नहीं जाता है बल्कि लीड डायरेक्टली आपके फेसबुक पे इनबॉक्स में आती है जो कि आपका फेसबुक पेज मैसेंजर होता है। और इमेजिन आपके फेसबुक मैसेज पे लीड आ गई, आप इमिजिएटली उस लीड के साथ बात कर सकते हो और उनको अपने व्हाट्सएप पे ला सकते हो, उनको अपने ऑनलाइन अपॉर्चुनिटी मीटिंग में बुला सकते हो, या उनके साथ मैसेंजर में डिटेल्स शेयर करके उनके साथ चैट करके उनको रिक्रूट कर सकते हो। वो बात की बातें हैं जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम रिक्रूटमेंट की बात करेंगे कि ऑनलाइन आप अपना रिक्रूटमेंट कैसे बढ़ाएं, लेकिन रिक्रूटमेंट से पहले मेरा फोकस होना चाहिए कि मैं अच्छी क्वालिटी और बेटर क्वालिटी लीड्स को कैसे जनरेट करूं। ओके, अगर हम अभी बजट की बात करें, ये बजट अभी बहुत ट्रिकी हो गया है। क्यों? क्योंकि फेसबुक ने रिवैम्प करा है खुद को, फेसबुक का जो नया ऐड टूल है वो बहुत डिफरेंट है, जो ऐड पैनल है, तो अभी लेकिन इसमें मिक्स फीडबैक है। वाई? क्योंकि लॉट ऑफ द पीपल, उनको अभी पुराना वाला ही डैशबोर्ड दिख रहा है, उनको पुराना वाला ही ऐड अकाउंट दिख रहा है, और कुछ लोगों को अभी नया वाला जो अपग्रेडेड वर्जन है फेसबुक का, तो वहां पे उनको ऐड सेट करने का एक ऑप्शन मिल रहा है, राइट? लेकिन जो भी आपके पास डैशबोर्ड अवेलेबल है, चाहे पुराना है चाहे नया है, कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि मिनिमम बजट मैं यूजुअली बूस्ट के लिए 100-150 रुपए पर डे रिकमेंड करूंगा, लेकिन आइडियली अगर आपको अच्छी क्वालिटी लीड चाहिए तो आपका जो आइडियल बजट है वो तो मिनिमम 300 से 500 रुपए पर डे होना चाहिए। वाई? क्योंकि अगर आपको मिनिमम 10 लीड्स भी चाहिए तो 500 का बजट आप लेके चलो 10 लीड्स के लिए। क्यों? क्योंकि अभी थोड़ा सा जो फेसबुक लीड्स हैं वो कॉस्टली हो गई है एज कम्पेयर टू हाउ द प्रीवियस कॉस्ट यूज टू बी, यानी जो आपकी पर लीड कॉस्ट है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है रिसेंटली। तो आइडियली 300 से 500 रुपए आपको पर डे का बजट रखना चाहिए किसी भी लीड जन ऐड के लिए। कल मेरा कॉल था फेसबुक के साथ, तो हम यही डिस्कस कर रहे थे कि काफ़ी इश्यूज हो रहे हैं आज के टाइम में। एक तो लोगों के ऐड डिसअप्रूव हो रहे हैं,
उस कॉल में मैंने ये बात भी करी कि बहुत सारे जो हमारी फीमेल ब्रांड पार्टनर्स हैं वो जब ऐड चलाती हैं फीमेल्स के लिए तो उनको मेल्स के रिक्वेस्ट आ रहे हैं। एट द सेम टाइम हमने कॉस्ट की भी बात करी, तो काफी चीजें चेंज हो रही हैं एंड दे आर लुकिंग इनटू लॉट ऑफ एल्गोरिदम्स। बट वन थिंग इज वेरी सर्टन कि फेसबुक आगे जाके बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड बहुत ही प्राइम एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म बनेगा, जो कि ऑलरेडी है। ऑलरेडी 2.5 मिलियन एक्टिव एडवर्टाइजर्स हैं फेसबुक पे, ये बहुत ज्यादा नंबर है। और आगे जाके ज्यादा से ज्यादा लोग अपने छोटे छोटे बिजनेसेस को, अपनी सर्विसेज को, अपने प्रोडक्ट्स को फेसबुक पे और बाकी सोशल मीडिया पे प्रमोट करेंगे। ओके, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी अंडरस्टैंड कि हम कुछ चीजों का ख्याल रखें जब भी हमें ऐड रन करना होता है। ये हमने बेसिक वाली ट्रेनिंग्स में भी डिस्कस किया था कि सबसे पहले आप अपना बजट डिफाइन करो कि आपको दिन में 300 रुपए का ऐड चलाना है या 500 का, राइट, पर डे के बेसिस पे आप कितना स्पेंड करना चाहते हो। दूसरा, अपना टारगेट ऑडियंस फिगर आउट करो कि अगर आप 3 ऐड प्लान कर रहे हो तो एक ऐड में भी आप यंग मदर्स को रीच आउट कर रहे हो, एक ऐड आपका स्टूडेंट्स को चल रहा है, तो आप वो भी क्लासिफिकेशन कर लो। एंड देन ऑल्सो मीडिया, मीडिया में हमारे पास बहुत ऑप्शन है। अभी तो मोस्ट ऑफ द ब्रांड पार्टनर जो आज के टाइम में ऐड चलाते हैं लीडर्स, वो सिंगल इमेज वाले ऐड चलते हैं। आपके पास कैरोसेल के ऑप्शन है, आपके पास स्लाइड शो के ऑप्शन है, आप वीडियो ऐड चला सकते हो। नाउ इमेजिन जितना ज्यादा आप वैरायटी कंटेंट में लाओगे, जितने ज्यादा आपके डिफरेंट टाइप ऑफ ऐड चलेंगे, आप कंटेंट के साथ एक्सपेरिमेंट करके बहुत अट्रैक्टिव ऐड क्रिएट करोगे, उतना ही ज्यादा आपको रिजल्ट मिलेगा फेसबुक से। यानी जो आपके ऐड का परफॉर्मेंस होता है ये कुछ चीजों पर डिपेंड करता है। एक, आप कितना इन्वेस्ट करते हैं, दूसरा आप किनको टारगेट करते हैं ऑफ कोर्स, बट अदर देन दैट आपका कंटेंट क्या है। क्यों? क्योंकि कंटेंट इज द फर्स्ट थिंग जो लोगों को अट्रैक्ट करता है, और आपका कंटेंट, आपका एड कंटेंट देखते ही आइदर लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं या वो रिपेल हो जाते हैं। नाउ इमेजिन अगर आपका कंटेंट अप टू मार्क नहीं है तो इन मोस्ट ऑफ द केसेस आपका एड तो अप्रूव होगा ही नहीं। एंड जैसे कि मैं अभी कह रहा था कि मेरा कल फेसबुक के साथ कॉल था, तो उसमें जो हमें बेस्ट प्रैक्टिस उन्होंने कहा तो वो यही था कि जब भी आप एक ऐड रन करते हो आपको मिनिमम 5 दिन का ऐड रन करना चाहिए। ये वैसे कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बट कल आई वॉज टॉकिंग टू द फेसबुक रिप्रेजेंटेटिव एंड ही हैपन टू मैंशन कि आइडियली जब भी आप कोई ऐड रन करते हो आप मिनिमम 5 दिन का ड्यूरेशन लेके चला करो। यानी अगर आपको एक ऐड चलाना है तो आपको आराम से 3,000 का बजट तो चाहिए चाहिए मिनिमम, एक ऐड, एक अच्छा ऐड चलाने के लिए जहां पे आपके पास 50 से 70 80 की अच्छी क्वालिटी की लीड्स आ जाएंगी इफ यू वांट टू वर्क इनटू दैट डायरेक्शन। ओके, सो जब ये सारी चीजें मैं प्लान करूं उसके बाद से मुझे इमेज चूज करनी है, मुझे अपना कॉन्टेंट चूज करना है। और ये हमने बहुत बार ये चीजें डिस्कस करी है कि जब तक आप एड रन नहीं करोगे, आपको डायनामिक्स नहीं समझोगे, आप तब तक एसरटेन नहीं कर पाओगे कि क्या वर्क करता है अच्छे से क्या नहीं करता है। क्योंकि जिन लीडर्स ने 2 साल पहले एडवर्टाइजिंग शुरू करी है वो आज के टाइम में हर महीने 30,000 40,000 रुपए खर्च करते हैं फेसबुक एडवर्टाइजिंग पे, और उनको पूरा पता है कि किस तरीके के ऐड अप्रूव होते हैं, किस तरीके के ऐड डिसअप्रूव होते हैं, कैसी कैसी पिक्चर्स यूज करनी है, कैसे कैसे कैप्शन यूज कर रहे हैं। वाई? क्योंकि वो आप काफी टाइम से कर रहे हैं एंड दैट इज द बेस्ट वे टू डू इट आइडियली। लेकिन अगर आपको लगता है कि ग्रामर वीक है, आपको लगता है कि इंग्लिश राइट नहीं है, या आपको लगता है कि नहीं आप काफी अच्छे अट्रैक्टिव टेम्पलेट क्रिएट नहीं कर पाते हो, या आपको लगता है कि नहीं आपको स्टॉक कॉन्टेंट यूज करना है, आपको स्टॉक वीडियोज बनाने हैं, और ये सारा जो चीज है ये टाइम कंज्यूमिंग है। एंड ऑनेस्टली हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम मीटिंग्स भी करें, हम ट्रेनिंग्स भी करें, हम रिक्रूटमेंट भी देखें, हम लीडरशिप डेवलपमेंट का भी ख्याल रखें, हम अपनी लाइंस का भी ख्याल रखें। दैट्स वाई अगर आपको लगता है तो आप कुछ चीजें आउटसोर्स भी कर सकते हैं, जैसे कि आपका एडवर्टीजमेंट। वाई? बिकॉज दैट इज समथिंग जो आप इजिली आउटसोर्स कर सकते हैं। इसमें आपको बहुत ज्यादा रिसोर्सेज मिल जाएंगे जो आपको एड रन करके देंगे, लेकिन उससे क्या होगा, आपका जो मैक्सिमम टाइम है वो आप इजीली अपने रिक्रूटमेंट और ट्रेनिंग्स पे ज्यादा फोकस कर सकते हैं। नाउ अगर सम ऑफ यू आपको हर दिन की 20 40 एक अच्छी क्वालिटी की लीड्स मिल रही हैं, इट मींस दैट कि आपका लीड जनरेशन इज बीइंग टेकन केयर ऑफ एंड यू कैन एक्चुअली फोकस ऑन प्रोस्पेक्टिंग एंड रिक्रूटमेंट। लेकिन जो चाहते हैं कि नहीं वो सब खुद से सारा करना चाहते हैं, फॉर देम इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दीज डायनामिक्स।
हमेशा जो इमेज यूज करते हो आप उसमें रेजोल्यूशन अच्छा होना चाहिए। इट कैन नॉट बी इमेज जो ब्लरी है, जो दिखती नहीं अच्छे से, या जो डार्क है, जिसका बैकग्राउंड बहुत पुअर है, जो पिक्सलेट होती है। ये सारी जो एडवर्टीजमेंट है ये या तो अप्रूव ही नहीं होती है या फिर इन मोस्ट ऑफ द केसेस ये चलती नहीं है। ओके, दूसरा आपका फोकस होना चाहिए किसी एक पॉइंट पे। अगर आपकी इमेज में दो तीन पॉइंट्स है, फॉर एग्जाम्पल वेलनेस का आप एक ऐड चला रहे हो, आपकी भी पिक्चर है, साथ में आपने प्रोडक्ट कहीं और रखे हैं, और फिर आपने मे बी कोई एलिमेंट कहीं और रखा है, तो उससे क्या होता है लोगों को आइडिया नहीं मिलता कि ऐड किस बारे में है। तो एक ही पॉइंट, अगर आपको वेलनेस दिखाना है तो खुद वेलनेस शेक हाथ में लेके कच्चा ऐड आप चला सकते हो, एक ही पॉइंट पे फोकस चला जाएगा, राइट। ये छोटी छोटी ट्रिक्स हैं जहां से व्हाट फेसबुक है सीन दैट कि आपका जो रेस्पॉन्स है, आपका जो क्वालिटी है लीड्स का, वो हमेशा बेटर आ जाता है। ओके, आप अपनी भी पिक्चर्स यूज कर सकते हैं और आप स्टॉक कंटेंट भी यूज कर सकते हैं, यानी जो भी आपके पास कैनवा पे कंटेंट बनाते हो, या फिर आपके पास फ्री पिक है, शटर स्टॉक जैसे हो गया, जहाँ पे आप अच्छी अच्छी क्वालिटी की इमेज या वीडियो कंटेंट पुल कर सकते हो, वो वाला कंटेंट भी आप इजीली अपने एड्स के लिए रन कर सकते हो। अगर आप देखोगे तो बिलियंस ऑफ पीपल स्क्रोल थ्रू द टाइम लाइन, नाउ आपका जो कॉन्टेंट है अगर वो स्टैंड आउट नहीं करता है तो वो इट विल बी लॉस्ट। आप देखो जब भी आप न्यूज फीड को रिफ्रेश करते हो फेसबुक पे तो आपको कितने नए नए पोस्ट दिखते हैं। नाउ पीपल कैन नॉट सी ईच एंड एवरी पोस्ट। जब आप टाइमलाइन स्क्रॉल करते हो तो आप इमीडिएटली किसी ऐसी चीज पे रुकते हो जो आपका सबसे पहले अटेंशन ग्रैब करती है। सो दैट इज व्हाई कंटेंट इंपॉर्टेंट है। क्यों सबसे पहले लोग देखते हैं? अरे पिक्चर देखते हैं या कोई स्लाइड शो देखते हैं या कोई वीडियो देखते हैं, वो रुक जाते हैं, अरे व्हाट इज दिस अबाउट। सो दैट इज द फर्स्ट थिंग जो इम्पल्स क्रिएट करती है, जो लोगों को नो रोकती है टाइमलाइन में, सो दैट दे टेक सम टाइम आउट, वो देखें ये एड किस बारे में। ओके, सो दैट इज इम्पॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि इतने ज्यादा लोग न्यूज फीड को रिफ्रेश करते हैं और इतने ज्यादा लोग कॉन्टेंट पोस्ट किए जाते हैं, सो इन मोस्ट ऑफ द केसेस जो आपका कंटेंट है अगर वो क्वालिटी कंटेंट नहीं है, अगर उसमें एक अट्रैक्टिव एलिमेंट नहीं है, तो वो लॉस्ट हो जाएगा। वो मतलब जैसे आप ग्रुप में पोस्ट करते हैं तो 2 मिनट बाद आपका पोस्ट कहीं दिखता ही नहीं है। सिमिलरली सेम थिंग विल हैपन टू योर कंटेंट ऑन टू द टाइमलाइन एज वेल। ओके, और अनदर इंपॉर्टेंट थिंग जो कि हमने बहुत बार रिपीट करी है कि आप टेक्स्ट को टोटली एलिमिनेट करो। अभी भी जो मेरे पास मेजर लोग स्क्रीनशॉट्स भेजते हैं या जो अपनी क्वेरीज भेजते हैं, मैं सब में एक ही एलिमेंट कॉमन देखता हूँ, वो ये है कि वो इमेज पे बहुत ज्यादा टेक्स्ट डालते हैं। एंड दूसरा, आप फॉन्ट किस तरीके का लेते हैं? बहुत सारे लोग बहुत ही बेकार कर्सिव फॉन्ट्स लेते हैं। नहीं, ये छोटी छोटी चीजें तो मैटर करती हैं आपके एड में। ज्यादा टेक्स्ट होना, डार्क इमेज यूज करना, बहुत बड़ा बड़ा फॉन्ट साइज होना, ये सारी चीजें फेसबुक काफी सीरियसली लेता है। और अगर आपके कंटेंट में ऐसे एलिमेंट्स होते हैं तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं जो भी आपका ऐड है वो कभी भी अप्रूव नहीं होगा। ओके, कुछ लोग मैंने देखा वो क्या करते हैं, वो कैप्शन में आप कुछ भी नहीं लिखते हैं, वो कैप्शन में अपने व्हाट्सएप का लिंक देते हैं। इन सारी प्रैक्टिसेस से आप बिल्कुल ब्लॉक कर दिए जाओगे फेसबुक पे ऐड रन करने से। यू नीड टू ट्रीट फेसबुक रेस्पेक्ट, यू नो, विद रेस्पेक्ट, विद डिग्निटी। ऐसा नहीं कि फेसबुक है तो कुछ भी कर सकते हैं वहां पे। नहीं, फेसबुक आपको ब्लॉक कर लेगा और आगे जाके आपको ही प्रॉब्लम होगी डिजिटल मीडिया में अपना या सोशल मीडिया में अपना बिजनेस प्रमोट करने से। ओके, ऑल्सो बिफोर एंड आफ्टर पिक्चर्स आप यूज मत करो। ऐसी पिक्चर्स मत यूज करो जो कोलाज है। नहीं, सिंगल पिक्चर्स या टीम के साथ पिक्चर्स या ऐसी कंटेंट जो काफी अच्छी दिखती है। ओके, हमने ये लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि क्या क्या चीजें आपको अवॉइड करनी है जो भी आप कैप्शन लिखते हो। इसमें से आप फोकस करो कि कॉपी सिंपल हो, क्रिस्प हो, टू द पॉइंट हो। जरूरी नहीं है कि काफी बड़े बड़े कैप्शन हम लिखें अपने ऐड के लिए। स्टॉप पर्सनल एट्रीब्यूट, जैसे इसमें दो वर्ड जो काफी इंपॉर्टेंट है जो आपको यूज नहीं करने चाहिए, यू, यूअर, अदर, ये सारी चीजें। जैसे आप किसी पर्टिकुलर पर्सन को रेफर करते हो, ओके, देन देर इज अ चांस कि आपका एड डिसअप्रूव हो सकता है। एक होता है क्लिक बेट, ये यूजुअली ज्यादा रेलिवेंट नहीं है हमारे लिए, लेकिन जिन लोगों के लिए वेबसाइट है वो क्या, या फिर आप चाहते हो कि कोई कोई कुछ लोग क्या करते हैं, फेक बटन चढ़ा देते हैं। जैसे आपने कभी देखा होगा कोई आर्टिकल आता है तो उसमें ऐसे वीडियो का आइकन होता है, तो आपको लगता है कि ये वीडियो है, चलो देखते हैं। द मोमेंट यू क्लिक ऑन वीडियो वो आपको फिर लैंडिंग पेज पे लेके जाता है जहां पे कुछ और ही आर्टिकल होता है,
और ये भी बहुत बड़ा वायलेशन है, बट दिस इज नॉट वेरी रेलिवेंट टू अस। मे बी अगर कुछ लोग जिनके पास वेबसाइट है, दे शुड नॉट डू क्लिक बेटिंग। ओके, मल्टी लेवल मार्केटिंग इज द रेस्ट्रिक्टेड कॉन्टेंट। तो आप नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग को प्रमोट नहीं कर सकते। आप इनकम अपॉर्चुनिटी की बात नहीं कर सकते। इवन अदर डे लाइक यू नो, काफी लीडर्स ने मेरे साथ स्क्रीनशॉट शेयर करके पूछा कि इसमें आपको क्या लगता है प्रॉब्लम है। और प्रॉब्लम ये हम 2 साल से कह रहे हैं, आप प्रॉब्लम ये है कि आपकी इमेज में बहुत ज्यादा टेक्स्ट है। प्रॉब्लम ये है कि आप लोगों को कहते हो कि आप 40 से 50 हज़ार अर्न करोगे। ये सारी चीजें जो आप करते हो, ये आपके एड के डिसअप्रूवल का प्राइमरी रीजन है। और दूसरा, जो आप कैप्स में लिखते हो, कुछ लोग क्या करते हैं, वो अपने किसी पर्टिकुलर वर्ड को हाईलाइट करने के लिए पूरा कैप्स में लिखते हैं, बड़े बड़े लेटर्स में लिखते हैं। उस बात पे भी लेके फेसबुक माइट नॉट अप्रूव यूर एड। और जैसे हमने लास्ट टाइम भी कहा था, जो अगर स्पेलिंग एरर्स है मेरे पोस्ट में, मेरे पोस्ट में ग्रामेटिकल एरर्स हैं, उन चीजों को लेके भी मेरी पोस्ट अप्रूव नहीं होगी। वाई? क्योंकि अगर फेसबुक ने मेरी ऐसी पोस्ट अप्रूव करी जिसमें ग्रामर नहीं है, जिसमें स्पेलिंग एरर है, तो फेसबुक जो यूजर देखेगा वो फेसबुक को ब्लेम करेगा, वो इमिडिएटली आपको रिपोर्ट करेगा, वो साथ में फेसबुक को भी कहेगा कि यू नो, क्या आपकी टीम चेक नहीं करती है एडवर्टीजमेंट को अप्रूव करने से पहले? आप ये कैसे ऐड अप्रूव करते हो जिनमें ना ही इमेज का सेंस है, ना ही कंटेंट का कोई सेंस है, ना ही कैप्शन राइट है? तो इवेंचुअली क्या होगा, अगर ऐसे ऐड अप्रूव होने लगे, इवेंचुअली क्या होगा, लोग फेसबुक से परेशान हो जाएंगे एंड वो फेसबुक यूज नहीं करेंगे। वाई? क्योंकि वो हमेशा बैड क्वालिटी कॉन्टेंट देखेंगे और फेसबुक ये कभी नहीं चाहेगा। तभी आज के टाइम में जो फेसबुक की पॉलिसीज हैं स्पैम को लेके, कंटेंट को लेके, ऐड की अप्रूवल को लेके, ये और भी ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गई है। ओके, एंड दूसरा, यू हैव टू अवॉइड एनी फॉल्स और मिसलीडिंग क्लेम। कि जैसे वेट लॉस की बात अगर आप करोगे, नहीं करनी चाहिए। अगर आप इनकम की अर्निंग की बात करते हो, आपको बताना नहीं है कि आप 2 महीने में 40,000 रुपए कमाओगे। सो एनी क्लेम विच कैन नॉट बी बैक्ड विद द प्रॉपर डेटा और विद द प्रॉपर बिजनेस प्लान, उन चीजों से आप दूर रहो। तो दिस इज समथिंग जो आपको हमेशा ध्यान में रखना है, चाहे आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे ऐड चला लो। एंड ऑनेस्टली दिस इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू आपका जो फेसबुक एडवर्टाइजिंग है, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, लिंक्डइन, सब प्लेटफॉर्म्स का एक ही यू नो प्रोविजन है, एक ही आइडिया है, वो यही है कि आप कॉन्टेंट वैल्यू बेस क्रिएट करो जो लोगों को अट्रैक्ट करे और जो प्लेटफॉर्म के लिए भी सूटेबल हो। नाउ लीड जनरेशन ऐड कैसे करना है, यहाँ पे मैंने पीपीटी में पूरा डिटेल्ड आपको डिस्क्रिप्शन दिया है, क्या क्या स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। स्टेप 4 हो गया, स्टेप 5 हो गया। सो आई विल नॉट जस्ट एक्सप्लेन ऑल दो स्टेप्स। वाई? क्योंकि मैं आपको डेमो दे दूंगा, सो लेट्स रादर फोकस ऑन दैट। सो दिस इज बेसिकली 12 स्टेप प्रोसेस है, आपको 12 स्टेप करने हैं प्रोसेस। ओके, और एक बार जब आप अपना एड रन करते हो, उसके बाद क्या होता है, आपका जो एड है वो मॉडरेशन में चला जाता है। आइडियली वो 10 मिनट से लेके 30 मिनट तक इजीली अप्रूव हो जाता है, लेकिन अभी कोविड का पैंडेमिक है तो 24 आवर्स इज एन एवरेज टाइम। कभी भी अगर आप एड रन करते हो तो आपको आइडियली 24 घंटा तो वेट करना चाहिए। हाँ, लेकिन अगर आपका एड 24 घंटे के बाद भी अप्रूव नहीं हो रहा है, देन आप फेसबुक को रीच आउट कर सकते हो कि अरे फेसबुक बहुत ज्यादा टाइम हो गया, 2 दिन से मेरा एड अप्रूव नहीं हो रहा है, देन आप फेसबुक को रीच आउट कर सकते हो। लेकिन जो आइडियल स्पैन है, विद इन 30 मिनट्स यूजुअली आपका एड अप्रूव नहीं होता है, बट अगर हमारा एड 30 मिनट्स में भी अप्रूव नहीं होता है तो हम आराम से 24 घंटा तक वेट कर सकते हैं। नाउ समझो कि आपने एक लीड जनरेशन एड चला लिया, उसके बाद वो लीड्स कहाँ पे आ जाती हैं? वो लीड्स आपके पेज में ही आती हैं। तो पेज में जब आप जाते हो, आपको पब्लिशिंग टूल्स में जाना है। पब्लिशिंग टूल्स में एक ऑप्शन आता है लीड एड फॉर्म्स, और वहां पे आपको फॉर्म्स लाइब्रेरी दिखती है, और जितने भी लोगों ने आपका एड ओपन करके आपको डिटेल भेजी है, आपको उनका जो भी डिटेल है वो वहीं पे मिलेगा। ओके, नाउ व्हाट आई विल डू इज, मैं अभी आपको डेमो देता हूँ, सो आई विल जस्ट स्टॉप माई स्क्रीन फॉर अ वाइल एंड देन मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। ये
प्लीज टेल मी, अगर आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है तो मैं फिर आपके साथ शेयर माई डेस्कटॉप। एक बार प्लीज कंफर्म कर लो, अब आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है? फेसबुक का ये आपको आइकन दिख रहा होगा? ओके, कैन यू प्लीज कंफर्म इफ यू कैन सी द स्क्रीन? एक सेकंड, लेट मी जस्ट चेक द कंफर्मेशन। यस, इज फेसबुक विजिबल? यस, ओके परफेक्ट। तो ठीक है, मैं यहाँ से जाता हूँ अब यहाँ पे। ओके, नाउ इमेजिन लाइक यू नो, आज मैंने अनुराधा से बात कर रही थी, तो लाइक यू नो आई जस्ट टॉक टू हर, आई टॉक टू हर, तो मैंने उनकी डिटेल ली है, तो हम एक बार एड रन करना ट्राई करेंगे यहाँ से। ओके नाउ फॉर एनी वन जो पहली बार एड रन करना चाहते हैं या जिनको आइडिया नहीं है कि क्या चीजें करनी है, तो अगर आपको एक्चुअल प्रोसेस जाना है वो बहुत ईजी है ना। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैंने अनुराधा के फेसबुक में लॉग इन किया, ये उनका प्रोफाइल है, राइट? अब अनुराधा व्हाट शी वॉन्ट्स इज शी वॉन्ट्स टू रन एड फॉर हर पेज। तो सबसे पहले बहुत जरूरी है कि आपके पास पेज होना चाहिए। नाउ हाउ डू यू रन एड्स? बहुत सिंपल है, या तो आप यहाँ पे क्रिएट में जाके सिंपली एड पे क्लिक करेंगे। तो आप कहाँ पे जाते हो? जब आप एड पे क्लिक करते हो तो आप अपने एड्स मैनेजर में जाते हो, जो भी जो कि आपका एड टूल होता है, जो कि आपका डैशबोर्ड होता है। ओके, एंड दिस इज लाइक योर एड टूल। तो एड टूल में आप देखो आप कितने तरीके के एड रन कर सकते हैं। आप ब्रांड अवेयरनेस को एड रन को लेके एड चला सकते हैं, आप अपने कॉन्टेंट की रीच बढ़ाने को लेके एड चला सकते हैं। देन आपका जो कंसिडरेशन है, ट्रैफिक, यानी अगर आपकी बहुत अच्छी वेबसाइट है और आप चाहते, कल को फॉर एग्जाम्पल किसी ने बहुत अच्छी वेबसाइट बनवा ली जो कि लीड्स को फिल्टर करती है, काफी ज्यादा अट्रैक्ट करती है बिजनेस के लिए लोगों को, और आप चाहते हो कि ज्यादा से ज्यादा लोग उस वेबसाइट को देखें, इन दैट केस आप यहाँ से ट्रैफिक वाला ऐड चलाओगे। सिमिलरली एंगेजमेंट, अगर आप एंगेजमेंट में देखोगे आपके पास और तीन ऑप्शन के ऐड है। पोस्ट एंगेजमेंट, दिस इज लाइक योर बूस्ट पोस्ट, राइट? अपनी पोस्ट पे ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट, शेयर, लाइक लेके आना। पेज लाइक्स, अगर आप चाहते हो कि आप अपनी कम्युनिटी बनाओ, जो आपको वहां पे पेज पे ऑप्शन भी दिखता है प्रमोट पेज का, आप यहां से भी अलग से लाइक कैंपेन रन कर सकते हैं। इवेंट रेस्पॉन्सेस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। इमेजिन आप चाहे ऑनलाइन इवेंट करते हो, कल को आप ऑफलाइन इवेंट करोगे और आप चाहते हो कि उस इवेंट के लिए मुझे ज्यादा से ज्यादा लीड चाहिए, तो आपको इवेंट वाला एड्स रन करना पड़ेगा। वीडियो व्यूज, अगर आपने कोई अच्छा सा वीडियो बनाया है, इमेजिन करो इस चीज का, वेलनेस का या स्किन केयर का, और आप चाहते हो कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोग देखें, सो दैट दे गेट टू नो अबाउट माय स्किन केयर कंसल्टेशंस, और उनको वो मुझसे ये प्रोडक्ट भी ऑर्डर ले लें, इस ऑर्डर यू नो प्रोडक्ट का, तो आप वहां से वो वीडियो भी उसको लेके चला सकते हो। देन लीड जनरेशन, अगर आप चाहते हो कि आप एक कॉन्टैक्ट फॉर्म सेट करें और वहां पे आपके पास लीड्स आना शुरू हो जाए उस कॉन्टैक्ट फॉर्म में, और मैसेज, अगर आप चाहते हो नहीं लोग आपको डायरेक्टली मैसेज करने चाहिए, कहाँ पे? फेसबुक पे। तो ये आपके पास ये ऑल्टरनेटिव्स हैं इतने सारे, इट्स नॉट जस्ट लिमिटेड टू वन और टू एड्स। तभी मैं कह रहा हूँ कि जो फेसबुक एडवर्टाइजिंग है ये बहुत बहुत वास्ट है, ये बहुत यू नो इट्स लाइक ह्यूज। और यहाँ से अगर आप प्रॉपरली एड चलाना सीख गए, और अगर आपको पता है कि कितना बजट रखना है, क्या क्या एलिमेंट्स ड्राइव करने हैं, किस किस टाइप के एड रन करने हैं, जो यहाँ से आप बिजनेस लेके आ सकते हो, दैट विल बी लाइक यू नो ह्यूमंगस, बहुत ज्यादा बिजनेस आप यहाँ से लेके आ सकते हो, बट प्रोवाइडेड यू नो हाउ टू रन। लेकिन कॉन्ट्रारी, अगर आपका कॉन्टेंट अप टू मार्क नहीं है, आप वैल्यू नहीं क्रिएट कर पाते हो, फेसबुक आपको फ्लैग करेगा, फेसबुक आपको ब्लॉक करेगा। तो ये दोनों चीजें हैं, यहाँ पे आपको पेनल्टी भी मिल सकती है और यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा रिवॉर्ड्स भी मिल सकते हैं, और ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप इस टूल को कैसे यूज करना चाहते हो। ओके, नाउ
इन मोस्ट ऑफ द केसेस बहुत सारे लोग यहाँ से डायरेक्टली शुरू हो जाते हैं। मैं यही रिकमेंड करूंगा, सबसे पहले आप यहाँ पे जब एड्स मैनेजर में आते हैं, बिफोर एक्चुअली स्टार्टिंग द एड, आपको यहाँ पे सेटिंग्स पे क्लिक करना चाहिए। ओके, जब मैं सेटिंग्स पे जाता हूँ, यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अपने एड अकाउंट को सेट करके रख सकता हूँ सो दैट आई अंडरस्टैंड कि मेरा एड अकाउंट का नाम क्या है। तो अभी यू सी फॉर एग्जाम्पल अनुराधा का जो एड है, यहाँ पे उन्होंने अपना नाम दिया है, टाइम जोन मेरा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, करेंसी मेरी INR है। बट इसमें अभी कुछ चीज़ें मिसिंग है, जैसे इसमें मिसिंग कौन कौन सी चीज़ें हैं, इसमें मिसिंग है अभी बिजनेस नेम। तो यहाँ पे भी जरूरी नहीं है कि आपको ऑरिफ्लेम रखना है, आप यहाँ से अपना ही नाम लिख सकते हो। ओके, सिमिलरली यहाँ पे आपको एड्रेस नेम देना है, तो जो भी आपका एड्रेस है, जरूरी नहीं कि आप एग्जैक्ट पोस्टल एड्रेस दे दो, बट नहीं, जो भी आपको लगता है, आप अपनी गली का नाम दे दो, अपने मोहल्ले का नाम दे दो, अपने रीजन का, यू नो, सिमिलरली यहाँ पे सिटी एंड टाउन जो भी आपकी है। फॉर एग्जाम्पल आप मुंबई में रहते हो, तो यहाँ से आप मुंबई चूज करो, सॉरी, यहाँ से हम देखेंगे महाराष्ट्र आएगा, राइट, यहाँ से आप अपना स्टेट पुट करो, और जो भी आपका पिन कोड आता है यहाँ पे, जो भी आपका पिन कोड है, आप पिन कोड एड्रेस करोगे। फिर आप देखो यहाँ पे बिजनेस कंट्री है जो ऑटोमेटिकली इंडिया है, फिर आपको यहाँ पे GST भी मांगेगा, GST रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन अगर आपके पास अपना पैन नंबर है तो आप दे सकते हो, बट GST इज नॉट एप्लीकेबल फॉर एडवर्टाइजर्स लाइक अस। ओके, और जब आप ये सारी डिटेल डालोगे यहाँ पे, उसके बाद आपको यहाँ पे बस सेव पे क्लिक करना है। ओके, जो ही आपका सेव हो गया, उसके बाद बस आपको एक चीज करनी है, वो है पेमेंट सेटिंग्स। तो आप यहाँ पे पेमेंट सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे, आप जब आपने अपने एड अकाउंट में डिटेल डाली, और यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, आप अपना पेमेंट मेथड एड चूज कर सकते हैं, यू सी एड अ पेमेंट मेथड। ओके, और यहाँ पे दिस इज रियली इम्पॉर्टेंट, जो कि हमने अभी डिटेल देनी थी, जैसे आपको अपना नाम बताना पड़ेगा, जैसे अनुराधा। ओके, सिमिलरली एड्रेस देना पड़ेगा आपको जो भी है, और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है दिस वन, सिलेक्ट स्टेट, क्योंकि अभी मैंने वहाँ पे सेव नहीं करा, तब तक मैं अपना पेमेंट मेथड सेट नहीं कर पाऊंगा। महाराष्ट्र है, सिटी मुंबई है। ओके, कैन एनी वन प्लीज टेक्स्ट मी ऑन व्हाट्सएप की पिन कोड क्या मैं डालू। अनुराधा, कैन यू प्लीज लेट मी नो द पिन कोड। जस्ट अ सेकेंड, मैं यहाँ से गूगल करता हूँ, बिकॉज आई एम नॉट गेटिंग एनी टेक्स्ट। मुंबई पिन कोड, आप इसको बाद में चेंज भी कर सकते हो, 230532। ओके, नाउ यू सी, जो ही मैंने अपना पिन कोड डाला, यहाँ से मुझे फेसबुक पूछता है कि आप अपना पेमेंट मेथड ऐड करो, तो यहाँ से मुझे क्या क्या ऑप्शन मिलते हैं, मैं यहाँ से अपना क्रेडिट और डेबिट कार्ड भी चूज कर सकता हूँ, मैं UPI ID से भी पे कर सकता हूँ, मैं नेट बैंकिंग थ्रू भी फेसबुक को पे कर सकता हूँ, और मैं पेटीएम थ्रू भी पे कर सकता हूँ। नाउ इन मोस्ट ऑफ द केसेस बहुत सारे लोग जो है उनको यहाँ पे बाकी ऑप्शन नहीं दिखती हैं, वो इसलिए नहीं दिखती हैं क्योंकि आपने कोई वायलेशन करी है फेसबुक के रूल की और फेसबुक ने आपके पेमेंट मेथड को रिमूव कर दिया है। लेकिन अगर आप एथिकली सारी चीजें फॉलो करोगे तो आपको हमेशा इसी तरह अच्छे से पेमेंट मेथड का ऑप्शन दिखेगा। बट वन थिंग जो और आपको जाननी है, जो भी आप यहां से पैसा ऐड करते हैं वो डायरेक्टली आपके ऐड में नहीं चला जाता कि आपका ऐड रन होने लगता, नहीं, जो भी आप यहां से पैसा ऐड करेंगे, फॉर एग्जांपल नाउ अनुराधा सेज दैट है मुझे पेटीएम से पे करना है और मैं चाहती हूं कि यहां पे मैं 5,000 रुपए ऐड कर दूं,
तो जो भी आप अमाउंट ऐड करते हो वो यहाँ पे दिखेगा आपका, जो भी आपकी बैलेंस होती है, जो अमाउंट ड्यू दिख रहा है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो आपका अमाउंट है वो 5,000 दिखाएगा। इट मीन्स दैट जो आप ऐड करते हो मनी वो कहाँ पे चला जाता है, वो फेसबुक के प्रीपेड अकाउंट में चला जाता है, यानी फेसबुक के पास अब वो पैसा है और आप उसको जैसे चाहे यूज कर सकते हैं। 5,000 में आप 1-2 हज़ार का लाइक कैंपेन चला लो, 3,000 का ऐड चला लो, 5,000 का एक ही ऐड चला लो, वो टोटली आपकी मर्जी है आप। ओके, तो जो भी आप पैसा ऐड करते हैं वो कहाँ पे आ जाता है, वो आपके प्रीपेड अकाउंट में आता है। नाउ फॉर एग्जाम्पल, आपने यहाँ से ऐड पेमेंट मेथड करके यहाँ पे 5,000 रुपये डाले, तो आपका जो बैलेंस है वो यहाँ पे दिखेगा कि अनुराधा आपके पास अब 5,000 रुपये है। ओके, अब इमेजिन नाउ अनुराधा हैज 5,000 रुपीज इन टू हर एड अकाउंट। ओके, आई होप दैट दिस प्रोसेस इज क्लियर कि एड अकाउंट कैसे सेट करना होता है और दो इम्पॉर्टेंट डिटेल्स क्या हमें ऐड करनी है यहाँ पे। नाउ अनुराधा वॉन्ट्स दैट कि मुझे एक अच्छा सा लीड जनरेशन ऐड सेट करना है। ओके, सो शी विल क्लिक ऑन ऐड। एंड यहाँ पे जब वो ऐड टूल में आ जाते हैं, यहाँ से आप लीड जनरेशन पे क्लिक करोगे। ओके, नाउ यहाँ से मुझे अपना ऐड चलाना है। नाउ इफ आई एम अ स्मार्ट एडवर्टाइजर, जैसे मैंने पहले ही कहा था, आप कुछ चीजों का ख्याल रखेंगे, यानी आपका कैप्शन कैसा है, आपका पिक्चर कैसा है। तो व्हाट यू शुड डू इज, सबसे पहले आप कैनवा में आ जाओ। ओके, तो कैनवा में आप कहोगे कि आपको एक अच्छा सा डिजाइन क्रिएट करना है। किस चीज का आपको डिजाइन क्रिएट करना है, आप देखो यहाँ पे फेसबुक ऐड का ऑप्शन दिख रहा है मुझे, तो मैं फेसबुक ऐड पे क्लिक करूंगा। मैं अपने लिए एक अच्छा सा फेसबुक ऐड बनाना चाहता हूँ। नाउ जो ही मैंने फेसबुक ऐड क्लिक किया, यहाँ पे मुझे बहुत सारे टेम्पलेट दिखते हैं जहां पे मैं अपने लिए ऐड रन कर सकता हूँ। और जो भी आप एलिमेंट पिक करोगे, जो भी आप ऐड पिक करोगे, वो वैसा ही आपका क्रिएटिव भी बनेगा। बट इसमें आपको ये चीज का ख्याल रखना है कि ये जो एलिमेंट्स हैं ये सारे एडिटेबल है, यानी आप हर एक एलिमेंट को एडिट कर सकते हो और उनको चेंज कर सकते हो। नाउ फॉर एग्जाम्पल, अनुराधा जो है शी वॉन्ट, आपके पास जैसे मैंने कहा था दो ऑप्शन है, या तो आप स्टॉक इमेज भी यूज कर सकते हो या आप अपनी पर्सनल इमेज भी यूज कर सकते हो, चॉइस इज योर्स। नाउ फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे फोटोज में जाऊँ, अब अगर मैं चाहता हूँ कि मैं स्टॉक इमेज कॉन्टेंट यूज करूँ एंड आई लुक फॉर समथिंग लाइक ऑनलाइन बिजनेस। ओके, नाउ ऑनलाइन बिजनेस में आप देखो मुझे कितने टेम्पलेट मिल रहे हैं, और अगर इनमें से मुझे कोई भी ऐड अच्छा लग रहा है तो आई कैन इजीली पिक दैट टेम्पलेट और उसको मैं थोड़ा एडिट कर लूंगा। अब इसमें एक ही कैच है कि ये जो एलिमेंट है जहां पे भी आपको ये क्राउन दिखता है, ये प्रो है। इट मीन्स दैट कि अगर आपको ये वाला डिजाइन यूज करना है तो आपको फेसबुक को पे करना पड़ेगा। ओके, नाउ फॉर एग्जाम्पल ये वाला, तो इट्स लाइक फॉर ई कॉमर्स, नॉट रेलिवेंट। तो यहां से आप फ्री वाला एलिमेंट ही पिक करोगे एंड यहाँ से आप देखोगे कितने हमें अलग अलग तरीके के टेम्पलेट दिख रहे हैं, कुछ पेड है कुछ फ्री है। नाउ फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ फ्री टेम्पलेट एंड वी सिलेक्ट पिक दिस टेम्पलेट एज ऑफ नाउ। ओके, नाउ आपका एड इमेज ऑलमोस्ट बन गया, इसमें बस आपको थोड़ा सा यहाँ पे एलिमेंट ऐड करना है, कुछ टेक्स्ट वेक्स लिखना है और आपका एड बन गया। दैट इज वन वे, दैट इज कॉल्ड स्टॉक कॉन्टेंट। दूसरी चीज आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे अपनी इमेज को भी अपलोड कर सकते हो। नाउ फॉर एग्जाम्पल, अभी यहाँ पे इमेज नहीं है अनुराधा की, तो मैंने उनसे एक इमेज भी मांगी थी अभी, तो आई विल अपलोड एन इमेज फ्रॉम हियर एंड आई थिंक मेरे डाउनलोड में होगी जो मैंने अभी करी थी, और मेरे पास अनुराधा की इमेज भी है। नाउ यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, आप अपनी इमेज को अपलोड भी कर सकते हो। नाउ फॉर एग्जाम्पल, मैंने ये टेम्पलेट पिक किया। ओके, एंड इफ आई वॉन्ट लाइक यू नो दिस इमेज टू बी हेयर समवेयर, मैं चाहता हूँ कि नहीं इस एड में मुझे अपनी इमेज भी दिखे, तो आप आराम से यहाँ पे अपनी इमेज को भी प्लेस कर सकते हैं। बट येस, यू हैव टू बी रियली केयरफुल कि इमेज अच्छी क्वालिटी की हो, पिक्सलेशन ना हो ना। इमेजिन लाइक यू नो मैं ये वाला इमेज ले लूँ, थोड़ा सा मुझे लगता है जो इमेज है वो पिक्सलेट हो रही है, थोड़ी सी ब्लर है, राइट? बट यहाँ पे मैं बस ओवरव्यू के लिए दे रहा हूँ। यहाँ पे आप देखो मैं कलर स्कीम को चेंज भी कर सकता हूँ। नाउ इफ माई इमेज इज ऑफ रियली गुड क्वालिटी, यहाँ पे कलर स्कीम के साथ ये ब्लेंड भी हो गया और यहाँ पे मैं टेक्स्ट भी, फॉर एग्जाम्पल लाइक यू नो जो भी मुझे टेक्स्ट चाहिए, जैसे मैं यहाँ से या तो यहाँ से टेक्स्ट लूंगा एड ए हेडिंग, या फिर मे बी लाइक यू नो आई पिक दिस टेक्स्ट एलिमेंट, तो जो भी मैं एलिमेंट पिक करूंगा वो मैं यहाँ पे प्लेस कर दूंगा। ओके, नाउ फॉर एग्जाम्पल
वॉन्ट्स टू टेल वुमेन दैट हे यू कैन ऑल्सो स्टार्ट यूर ओन ब्यूटी बिजनेस। तो यहाँ पे उन्होंने कैप्शन डाल दिया। अभी अगर आप देखोगे जो मेरा टेक्स्ट है, इट्स नॉट अ लॉट ऑफ टेक्स्ट राइट, थोड़ा सा ही टेक्स्ट है, बट स्टिल व्हाट आई विल डू इज मैं इस टेक्स्ट को एक मॉडरेट साइज और एक मॉडरेट प्लेसमेंट दूंगा, सो दैट इट लाउड ना लगे, बहुत ज्यादा भी ना लगे। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल दिस मच आई बिलीव इज फाइन, एंड इसको मैं यहां पे प्लेस कर सकता हूं, और यहां पे इफ आई जस्ट वॉन्ट टू एड सम अदर एलिमेंट, मैं वापस टेक्स्ट में जाऊंगा लाइक दिस, एंड देन आई कैन एड समथिंग। फॉर एग्जाम्पल आई कैन नो, ये मैं बस सैंपल के लिए ले रहा हूँ राइट, सो यू कैन एक्चुअली मेक यूर्स मोर पर्सनलाइज, अनुराधा ब्यूटी एंड वेलनेस एंटरप्रेन्योर। ओके, नाउ दिस इज द इमेज जिसमें मैंने बहुत ही मॉडरेट टेक्स्ट रखा है, मैंने यहाँ पे लोगों को बताया भी है व्हाट दिस एड इज अबाउट, कि आप अपना ब्यूटी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, एंड इफ आई एम रियली ओके विद दिस टेम्पलेट आई विल सेलेक्ट पिक। अभी टाइम नहीं है, अदरवाइज आई कैन गो टू अदर एलिमेंट्स लाइक यू नो, जैसे वीडियो एलिमेंट है, यू नो बैकग्राउंड्स है, यहाँ पे अदर एलिमेंट्स की बात हो रही है, तो आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव, बहुत ज़्यादा यू नो ग्लैमरस कंटेंट क्रिएट कर सकते हो यहाँ से। ज़रूरी नहीं है कि आपको अपनी इमेज यूज करनी है, आप एक्चुअली लाइक यू नो जैसे इफ आई फील कि नहीं मुझे इस वाली इमेज को चेंज करना है, मे बी लाइक यू नो इट पिक्सलेट्स, मे बी मैं कोई स्टॉक इमेज यूज करूँ, तो आप देखो यहाँ पे मैंने ब्यूटी का एलिमेंट डाला, तो मुझे ब्यूटी रिलेटेड भी काफ़ी अच्छे अच्छे टेम्पलेट मिलेंगे। ओके, तो कल को अगर आप कोई ब्यूटी वर्कशॉप कर रहे हो, कोई स्किन केयर का वर्कशॉप कर रहे हो, तो आप देखो आप कितना अच्छा टेम्पलेट क्रिएट करके लोगों को इनवाइट कर सकते हो उस बिजनेस के लिए। तो ये टोटली आपकी चॉइस है, बट राइट नाउ वी डू नॉट हैव दैट मच टाइम कि हम पूरा कैनवा पे ट्रेनिंग करें, तो आई जस्ट लाइक यू नो क्विकली डाउनलोड दिस इमेज जस्ट फॉर द रेफरेंस पर्पजेस। ओके, नाउ अनुराधा हैज अ वेरी क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग, जो हमने लास्ट टाइम भी कहा था कि तीन चीजें इंपॉर्टेंट है, एक आप कितना इन्वेस्ट करते हो, आपका बजट क्या है उस एड के लिए, दूसरा आप किन को टारगेट कर रहे हो राइट, एंड ऑल्सो जो भी जिनको भी आप टारगेट कर रहे हो आप उनके लिए कैसी पिक्चर और कैप्शन यूज करते हो, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पहले से प्लान करो। नाउ आई विल गो बैक टू माई फेसबुक एड्स, और यहाँ पे हमने देखा कि हमें लीड जनरेशन वाला एड सेट करना है, तो नाउ व्हाट अनुराधा डज इज यहाँ पे आपको एड का नाम लेना, ये लीड जनरेशन एड है, एंड फॉर एग्जाम्पल शी वॉन्ट्स टू रन इट इन लाइक यू नो कपल ऑफ सिटीज ओनली, लीड जनरेशन है, ये है मुंबई एंड अराउंड में चलेगा, और ये रन हो रहा है कब, आज की डेट मई 21 को। वाई इज इट इम्पॉर्टेंट कि आप अपने कैंपेन को कोई नाम भी दे दो, इससे आपको पता चलता है कि ये स्पेशल एड है, क्यों, क्योंकि कल को अगर आप एक साथ 10-12 एड चलाते हो तो सबका नाम एक ही जैसा दिखेगा, तो आपको थोड़ा प्रॉब्लम होगी जानने में कि आप किस एड को एक्चुअली मॉनिटर कर रहे हो, तो एड का नाम इसलिए देना होता है, इससे आपको ईजी होता है। लेकिन अगर आप चाहते आप अगर आप वीक में एक ही एड रन करते हो तो जरूरी नहीं है कि आपको स्पेशल नाम भी दे दें, ये जस्ट आपकी कन्वीनियंस के लिए। ओके, ये चीजें कुछ रूल्स ऐसे हैं जो आपको जरूरी नहीं है फॉलो करना है, लेकिन कुछ स्टेप्स हैं जो हमेशा आपको फॉलो करने पड़ेंगे। नाउ इसमें जब आप एड रन करते हो तो दो ऑप्शन आते हैं, एक आता है क्रिएट ए बी टेस्ट और दूसरा आता है कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन। नाउ इसमें आपको एक कैच है, जो कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन है इसमें आपको आइडियली 2-3 हजार का बजट लेके ही एड रन करना पड़ेगा इन मोस्ट ऑफ द केसेस। ओके, इससे क्या होता है, कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन में यूजुअली जब आप मल्टीपल एड सेट रन करते हैं तो फेसबुक क्या करता है, आपके उसी एड को ऑप्टिमाइज करता है जहां पे आपको बेटर लीड मिलती है और कम कॉस्ट पे मिलती है। तो एक एड के लिए आइडियली आपको कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन नहीं करना चाहिए, इट हैपेंस फॉर द मल्टीपल एड सेट्स। और दूसरी चीज इसमें क्या होती है, आपको फेसबुक लीड काउंट भी नहीं बता देगा, कि जैसे जब आप एड रन सेट करते हो तो आपको पता चलता है कि आप कितना इन्वेस्ट करते हो और डेली बेसिस पे आपके पास कितनी लीड्स आ जाएंगी, वो चीज आपको कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन से पता नहीं चलेगी। तो अभी के लिए बिकॉज आई एम जस्ट स्टार्टिंग विद माई एडवर्टाइजिंग, इसको भी मैं ऑफ कर दूंगा। ओके, नाउ सबसे पहले मैंने कैंपेन को नाम दिया, अगर आप यहाँ पे देख रहे हो जो लेफ्ट हैंड साइड में एलिमेंट है क्रिएट न्यू एड सेट और एड, मुझे बस इन्हीं चीजों को कंप्लीट करना है, तो व्हाट आई विल डू इज नाउ ओके, इनका एड अकाउंट भी प्रॉपरली सेटअप नहीं है, सेटअप एड अकाउंट
ओके और यहां पे मैं अपने एड सेट को नाम देता हूं ये वाला. ओके नाउ बिकॉज पहली बार मैं एड रन कर रहा हूं तो फेसबुक सबसे आपको भी ऐसा आएगा और ये बार बार भी आ सकता है, जरूरी नहीं है कि एक ही बार ये आपके पास पॉपअप आ जाए. तो आपको फेसबुक की जो भी पॉलिसीज होती है एड रन करने के लिए उनको एक्सेप्ट करना है. तो क्या टर्म्स है फेसबुक की, तो मैं एग्री करूंगा, आई विल नॉट रीड इट, आई विल जस्ट एग्री, क्योंकि इट्स मेक सेंस कि मैं एग्री करूं जो भी फेसबुक कहता है वहां पे. ओके तो अगर आप देखोगे अभी मैं एड सेट में हूं और यहाँ पे मुझे सबसे पहले पेज चूज करना है. तो अगर मेरे पास मल्टीपल पेज है, इमेजिन मेरे पास अनुराधा राव के नाम से एक पेज है और मेरे पास ब्यूटी एंड एंटरप्रेनर और ऐसे ऐसे मैंने बहुत सारे पेज बनाए हैं कभी, तो आपको हमेशा ये एंश्योर करना है कि आप एक राइट पेज सिलेक्ट करते हो. ओके तो यहाँ से आप वही पेज सिलेक्ट करोगे जिस पेज के लिए आपको एड चलाना है. ओके तो जो ही मैंने वो भी सिलेक्ट किया, अभी आप देखो यहाँ पे फेसबुक कहता है कि नो 29 करोड़ पीपल जो है उनको आपका एड दिखेगा. इट मीन्स दैट जो मेरी अभी ऑडियंस है वो फिल्टर्ड नहीं है, ये किसी तक भी जा सकता है एंड आई हैव नो श्योरिटी कि वो लोग मेरे एड में इंटरेस्टेड होंगे कि नहीं होंगे. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं अपने एड को थोड़ा सा फिल्टर करूं, अपनी ऑडियंस को फिल्टर करूं सो दैट मेरा जो एड है वो एक अच्छी ऑडियंस तक पहुंचे जो मेरे बिजनेस में इंटरेस्टेड है. ओके नाउ व्हाट आई विल डू हियर इज दैट यहां से डायनामिक क्रिएटिव ऑफ है, इसको मैं ऑफ ही रखूंगा, मैं ऑडियंस में आऊंगा और यहां से मैं कस्टम ऑडियंस या लुक अलाइक ऑडियंस पे भी डिस्कशन नहीं करूंगा, मैं अपने लिए एक नई ऑडियंस क्रिएट करूंगा. तो अनुराधा वॉन्ट्स टू दिस एड टू रन इन मुंबई. ओके सो हम मुंबई को चूज करेंगे, हम चाहते हैं कि ये एड जो है वो नवी मुंबई में भी रन हो, तो हम यहाँ से नवी मुंबई को भी सिलेक्ट करेंगे. साथ में ही हम ये एड औरंगाबाद और पुणे में भी रन कर रहे हैं. ओके नाउ जो ही मैंने एक फिल्टर लगा लिया, यहाँ पे देखो 29 से 23 मेरी ऑडियंस हो गई और यहाँ से मुझे एस्टिमेट मिलता है कि डेली मेरा एड कितने लोगों तक पहुंचेगा और डेली मेरे पास कितनी लीड्स आ जाएंगी, यहाँ से मुझे उनका काउंट मिलता है. ओके नाउ व्हाट आई डू इज आई जस्ट एड मोर फिल्टर. नाउ फॉर एग्जांपल फॉर दिस एड अनुराधा वांट्स टू लाइक यू नो रीच आउट टू वुमेन जो 20 साल से 45 के बीच में. ओके तो ये मैंने फिल्टर लिया एज का, अभी मैंने सिर्फ लोकेशन का फिल्टर लिया था, अब मैंने यहाँ से एज का भी फिल्टर लिया और यहाँ पे देखो पहले 29 था, 29 से 23 हो गया, अब 23 से ये 19 हो गया, राइट? लेकिन अभी भी बहुत ज्यादा है ये, बहुत ज्यादा. तो यहाँ से अब मैं जेंडर का भी फिल्टर लगा दूंगा कि नहीं मुझे बस वुमेन चाहिए. ओके नाउ जहां मैंने जेंडर का टारगेट लगा दिया आप देखो अब 54 लाख है, बट स्टिल 54 लाख लोग बहुत ज्यादा होते हैं एड टारगेटिंग के लिए. अब मैं क्या चाहता हूं कि मैं इस ऑडियंस को, अगर आप देखोगे यहां से मेरा जो रीच है वो लीड है वो भी इम्पैक्ट हो जाएगा. अब आप देखो मुझे अपनी ऑडियंस को और फिल्टर करना है, ये तो आपका बेसिक फिल्टर है. सी अगर आप ऐसे ही एड रन करोगे इसमें क्या होगा, आपका जो पर लीड कॉस्ट है वो बहुत कम आ जाएगा, मे बी आपको जो पर लीड है वो 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए तक की पड़ेगी. ओके 5 रुपए से 20 रुपए के बीच में आइडियली पड़ेगी, लेकिन प्रॉब्लम ये होगी जितने भी लोग आ जाएंगे They might not be refined audience, right? वो चीज नहीं है और ये हमेशा important है कि अगर आप अच्छा result चाहते हो आप एक अच्छी audience को भी attract करो. That is why यहाँ पे detail demographic का option है. तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक second. People living or recently, यहाँ से मैं choose कर रहा हूँ जो लोग exactly रह ही रहे हैं. Okay? तो आप देखो थोड़ा सा मेरा audience इससे भी filter हुआ. देन डिटेल टारगेटिंग में मैं क्या करूंगा, मैं ब्राउज पे जाऊंगा एंड आई विल गो टू डेमोग्राफिक्स एंड देन मैं एडुकेशन पे पिक करूंगा. नाउ फॉर एग्जांपल मैं एक बेसिक एडुकेशन लेता हूँ, हाई स्कूल लेवल, यहाँ पे हाई स्कूल ग्रेड, एटलीस्ट हाई स्कूल ग्रेड इन हाई स्कूल ग्रेड हो एटलीस्ट. तो मैंने अभी एक फिल्टर लगा लिया, अब आप देखो यहाँ पे मेरी ऑडियंस कितनी रिड्यूस हो गई, अब सिर्फ 2 लाख रहेगी मेरी ऑडियंस. ओके और यहां से आप देखो मेरा लीड काउंट अभी अच्छा आ रहा है, लेकिन जब मैं इसमें बजट कर दूंगा, तो अभी मैंने सिर्फ एक फिल्टर लगा लिया तो अब मेरा जो ऑडियंस जो पहले साइज था जो था 2 करोड़ से ज्यादा वो सिर्फ 2 लाख तक आ गया, लेकिन 2 लाख भी बहुत ज्यादा होता है. तो यहां से मैं भी इफ आई वॉन्ट, लेकिन जब अगर मैं और फिल्टर लगा देता हूं इससे क्या होगा,
मेरा जो एड का लीड कॉस्ट है वो, फॉर एग्जांपल अगर मैं चाहता हूँ कि ठीक है एडुकेशन लेवल ले लो साथ में, इसमें और भी ऑप्शन हैं दिख नहीं रहे, जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे लोग भी जो एसोसिएट डिग्री कर रहे हैं या जिनकी प्रोफेशनल डिग्री है वो भी, सिमिलरली अलग अलग टारगेट हैं आपके पास, यंग मदर्स की ऑप्शंस है, आप देखो आप लोगों को उनके वर्क के बेसिस पे, जैसे डेमोग्राफिक्स, कल को अगर आप एक करियर अपॉर्चुनिटी को लेके ऐड चला रहे हैं और आप कॉर्पोरेट को टारगेट करना चाहते हो, तो आप देखो आपके पास वर्क का फील्ड भी है, तो अकॉर्डिंगली जो भी आपका एड का बजट है वो इन चीजों से वेरी होता है. नाउ फॉर एग्जाम्पल लाइक यू नो अनुराधा सेज दैट ओके आई बिलीव दैट इज फाइन विद मी, अभी मैं इन वाली ऑडियंस को ही रीच आउट करूंगी, तो इट्स नॉट अ वेरी फिल्टर्ड ऑडियंस बट इट्स ऑल राइट, लेट मी एक्सपेरिमेंट पहली बार में कि कैसा रेस्पॉन्स आता है. ओके जी, मैंने ऑडियंस भी चूज करी, उसके बाद में प्लेसमेंट में भी आऊंगा. तो प्लेसमेंट में आपको दो चीजों का ख्याल रखना है, एक होता है ऑटोमेटिक और दूसरा होता है मैनुअल. ऑटोमेटिक मतलब यानी जो फेसबुक आपको रिकमेंड करता है कि आपका एड हर जगह दिखेगा, न्यूज फीड में भी दिखेगा, राइट हैंड साइड कॉलम में भी दिखेगा, मार्केट प्लेसेस में भी दिखेगा, फेसबुक के मैसेंजर में भी दिखेगा, इंस्टाग्राम पे भी दिखेगा, इंस्टाग्राम की टाइमलाइन में दिखेगा, इंस्टाग्राम की स्टोरीज में दिखेगा. सो आइडियली आपको ऑटोमेटिक प्लेसमेंट चूज करना चाहिए, लेकिन ऑटोमेटिक प्लेसमेंट आप तभी करोगे जब आपका पेज और आपका इंस्टाग्राम कनेक्टेड है. अगर आपका पेज और इंस्टाग्राम कनेक्टेड नहीं है तब आप ऑटोमेटिक प्लेसमेंट नहीं चूज कर सकते. वाई? क्योंकि एरर लेगा, आपका एड अप्रूव नहीं हो जाएगा. तो फॉर एग्जाम्पल अगर अनुराधा का पेज और इंस्टाग्राम कनेक्टेड नहीं है तो यहाँ से वो इंस्टाग्राम को हटा देंगी, तो उनका एड जो है वो सिर्फ कहाँ पे चलेगा? फेसबुक पे. ओके और यहाँ पे देखो आप ऑडियंस अभी साइज मेरा ये रह गया 1,80,000. लेकिन अगर मेरा इंस्टाग्राम कनेक्टेड भी है तो मैं यहाँ पे इंस्टाग्राम डेफिनेटली चूज करूंगा. ओके तो यहाँ से मैं अभी क्या कर रहा हूँ, मैं अभी मैनुअल नहीं ऑटोमेटिक प्लेसमेंट ही ले रहा हूँ. देन बजट एंड स्केड्यूल. अभी आप देखो जो मेरा एक्चुअल यहाँ पे एस्टिमेट बता रहा है, 2 लाख लोग हैं, रीच इतनी है, लीड्स इतने आ जाएंगे, तो ये सारा डिपेंड करता है बजट पे. और यहाँ पे आप कैप भी लगा सकते हो कि मुझे पर लीड फॉर एग्जाम्पल 25 रुपए से ज्यादा नहीं चाहिए, तो आप ये यहाँ पे कैप भी लगा सकते हो. नाउ आपका बजट कितना है, तो डेली बजट डेली स्पेंड करोगे या लाइफ टाइम? अगर आप आइडियली 4 या 5 दिन का एड तो आपको रन करना ही चाहिए, तो मेरा एड रन हो रहा है मई 21 से, तो मैं इसको फॉर एग्जाम्पल 26 तक चला रहा हूँ. ओके और यहाँ पे मेरा जो बजट है और ये रन होगा आज 4 बजे से, अभी क्या है इसको कर देते हैं 4:15 बजे तक, आई होप तब तक हम कंप्लीट करें, या फिर 4:30 सॉरी. ठीक है तो 4:30 से हमारा एड आज रन होगा 21 मई से लेके 26 मई तक, और इसमें मैं बजट स्पेंड कर रहा हूँ, अगर मैं दिन का 300 रुपया लेके चल रहा हूँ और मैं 5 दिन का ऐड चल रहा हूँ 1500, तो 1500 रुपये फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 1500 रुपये इसमें इन्वेस्ट करता हूँ, तो यहाँ पे देखो लीड कॉस्ट आपका, लीड आपकी कम हो जाती है, आपकी रीच कम हो जाती है. लेकिन अगर आप इसमें 1500 भी इन्वेस्ट करते हो और आपका ऐड चल रहा है 21 से 26 दिन, तो ऑन एन एवरेज पर डे आपके पास 10 से लेके 30 लीड तो आ ही जाएंगी. नाउ इसमें अगर अगर मैं ज्यादा एम्बिशियस ना भी रहूं और मैं कहूंगा कि मेरे पास 20 लीड आती है दिन की, इट मींस कि 5 दिन में आराम से आपके पास 100 लीड आ जाएंगी, बट इट विल बी लाइक यू नो फॉर दिस एड, क्योंकि हमने ज्यादा फिल्टर भी नहीं करा है, तो आपके पास लीड्स और भी आ सकती है. यहाँ पे अगर मैं बिड कॉस्ट हटा भी दूं, मैं कहूंगा नहीं फेसबुक आप ही ऑप्टिमाइज करो, तो आप देखो लीड कॉस्ट लीड काउंट थोड़ा सा ज्यादा हो गया यहाँ पे हल्का सा, बट ये जरूरी नहीं है, ये ऑप्शनल है. इससे क्या होता है कि फेसबुक आप फेसबुक को बताते हो कि नहीं इतने में ही मुझे लीड दे दो, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस ये बजट पे सब्जेक्टिव होती है, तो जरूरी नहीं है कि ये आपको रखना भी चाहिए या ये आप तक डिपेंड करता है, यू कैन कीप इट यू कैन रिमूव इट. लेकिन कभी अगर आपने बिड कॉस्ट लगा दिया तो जरूरी नहीं है कि फेसबुक आपको उसी रेट में लीड दे पाएगा, तो उस केस में आपके पास लीड्स नहीं आ जाएंगी. सो वो एक हमारे पास रेस्ट्रिक्शन रहता है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली फेसबुक आपको बता देगा कि 0 लीड, तो इन दैट केस में भी आपका जो पर लीड कॉस्ट है वो आपको 70-80 रुपए भी देखना पड़े. वो एक्चुअली अगेन किस पे डिपेंड करता है? टारगेटिंग पे. जितना आप ज्यादा फिल्टर जाओगे, जितना आप ज्यादा रिफाइन करोगे अपनी ऑडियंस को, उतना ही ज्यादा आपका पर लीड कॉस्ट हो जाएगा. ओके नाउ अब इसमें मेरे बजट वजट मिला के ओवरऑल फेसबुक को 1770 रुपये पे करूंगा. आई विल मूव टू द नेक्स्ट एंड द फाइनल स्लॉट जहां पे मुझे अपना एड फाइनली रन करना है.
तो इसमें अगर आप देखोगे ये जो एड का नाम है, जो तीन सेट होते हैं बेसिकली, एड, एड सेट एंड ऑब्जेक्टिव, यहाँ पे नाम दिया वो वाला। देखो अनुराधा का जो पेज और इंस्टाग्राम है वो ऑलरेडी कनेक्टेड है, तो मेरा ऑटोमेटिक प्लेसमेंट वाला क्लॉज सही है इसके लिए। उसके बाद हम फॉर्मेट में आएंगे, तो यहाँ पे देखो आप कैरोजल भी चूज कर सकते हो, सिंगल इमेज भी पिक कर सकते हो, वीडियो भी पिक कर सकते हो। तो अभी के लिए हम क्या करेंगे, हम सिंगल इमेज और वीडियो चूज करेंगे। ओके, नाउ सिर्फ दो स्टेप आप बचे हैं, सिर्फ दो स्टेप, और वो है ये दो स्टेप। एक तो मुझे मीडिया चूज करना है, तो एड मीडिया, कौन सी इमेज या कौन सा वीडियो। तो मेरे पास अभी इमेज है जो मैंने अभी डिजाइन करी, तो सबसे पहले ये मुझे लाइब्रेरी में लेके आएगा। तो ये जो इमेज आप देख रहे हो जहां पे भी येलो वाला ये ऐसे ट्रायंगल दिख रहा है, इट मीन्स दैट कि ये इमेज अप्रोप्रिएट साइज में नहीं है, इट मीन्स दैट कि फेसबुक में ये अपलोड इमेज होगी नहीं। तभी मैंने कैनवा में बनाई सो दैट मेरी जो इमेज है वो एक अप्रोप्रिएट साइज की भी है। तो वो अभी जो मैंने इमेज बनाया था कैनवा में, मैं उस इमेज को अपलोड करूंगा यहाँ पे। ओके, नाउ अब देखो इस इमेज को मैं कंटिन्यू करूंगा। आप इस इमेज को वीडियो में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर आपके पास मल्टीपल इमेज हैं वो भी वीडियो में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो काफी ऑप्शन है आपके पास, एंड आई विल रिकमेंड कि आप एक्सप्लोर करो, टाइम स्पेंड करो एड टूल पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है आपके लिए। और ये देखो आपका एड कहाँ कहाँ दिख रहा है, हर जगह दिख रहा है लोगों को, इंस्टाग्राम को लेके, बाकी आप देखो इंस्टेंट आर्टिकल्स में, स्ट्रीम वीडियो में, मार्केट प्लेस में, स्टोरीज में, इंस्टाग्राम पे, हर जगह दिख रहा है आपका ऐड लोगों को। और लैपटॉप पे आइडियली लोगों को ऐसे आपका ऐड दिखेगा, यहाँ पे आपकी प्रोफाइल पिक्चर, यहाँ पे आपके पेज का नाम, और यहाँ पे आपका ऐड का इमेज। और अभी इसमें क्या मिसिंग है, कैप्शन मिसिंग है, और इसमें कॉल टू एक्शन मुझे चेंज करना है, और एक हेडलाइन देना है। एंड जब मैंने मीडिया अपलोड किया उसके बाद मैं टेक्स्ट एंड लिंक में जाऊंगा, और यहाँ से मैं लाइक यू नो टेक्स्ट चूज करूंगा। नाउ अगर मैं यहाँ पे अपने व्हाट्सएप का लिंक दे दूंगा और एड रन करूंगा, दैट इज शेयर स्टूपिडिटी, मेरा एड कभी अप्रूव नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पे लोगों को अपना नंबर भी दे दूं, ये भी दे दूं, दो तीन चीजें दे दूं, फिर भी मेरा एड अप्रूव नहीं होगा। यहाँ पे मैं अगर लोगों को बताता हूँ कि आप मेरा बिजनेस ज्वाइन करो और आपको 40,000 रुपये अर्न कर सकते हो, इन दैट केस एज वेल मेरा बिजनेस एड रन नहीं होगा। माई कैप्शन शुड बी सिंपल एंड सटल, जो लोगों को बता दे कि मैं एग्जैक्टली क्या चाहता हूँ। जितना आप क्लियर रहोगे, जितना आप टू द पॉइंट रहोगे, उतने चांसेस हैं आपके एड अप्रूव होने के। ओके फॉर एग्जाम्पल, डू यू हैव अ पैशन फॉर, डू यू हैव अ पैशन फॉर हेयर एंड कलर कॉस्मेटिक्स। एक सेकेंड, मैं इसको स्मॉल लेटर में डालूंगा क्योंकि फेसबुक कभी कभी इन छोटी चीजों से भी मेरे ऐड को डिसअप्रूव कर सकता है अपर केस लेने से। ओके, डू यू हैव अ पैशन फॉर स्किन केयर एंड कलर कॉस्मेटिक्स, ज्वाइन माई ऑनलाइन बिजनेस टीम एंड गेट स्टार्टेड विथ योर ब्यूटी बिजनेस टूडे। ओके, एक सिंपल सा कैप्शन, ऐसा नहीं लिखना है कि लाइक आई एम लुकिंग फॉर वुमेन हु वॉन्ट वर्क फ्रॉम होम, हु कैन स्पेंड 2 to 3 hours ऑन लैपटॉप। नहीं, ये सारी चीजें नहीं चलती हैं एड में। सिंपल टू द पॉइंट क्रिस्प कैप्शन वर्क्स रियली गुड। ओके, नाउ इसमें मुझे हेडलाइन भी चाहिए, हेडलाइन में कुछ भी डाल सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल लाइक यू नो आई कैन हैव कनेक्ट विद मी नाउ, आप मुझसे कनेक्ट करो। ओके, और यहाँ पे आप देखो साइन अप बटन को मैं चेंज कर सकता हूँ लाइन लर्न मोर, जो कि बेटर कॉल टू एक्शन है। नाउ अगर आप देखोगे एड ऑलमोस्ट सेट हो गया है सारा, यहाँ पे मैंने कैप्शन भी डाल दिया, यहाँ पे मैंने एक अच्छी पिक्चर भी एडिट करके अपलोड करी है, यहां से मेरी हेडलाइन भी आ गई, यहां से मेरा कॉल टू एक्शन बटन भी सेट हो गया। यहाँ पे जो टेक्स्ट दिख रहा है, अभी डॉट मी दिख रहा है, इसको आप चेंज भी कर सकते हैं अगर आपके पास वेबसाइट है। आई थिंक अनुराधा हैज अ वेबसाइट, आई डोंट नो इफ इट्स स्टिल फंक्शनल। ओके, तो अगर इमेजिन आपके पास अगर वेबसाइट है, तो आप यहाँ पे जब वेबसाइट का लिंक डालोगे तो यहाँ पे आपको लोगों का आपकी वेबसाइट का लिंक दिखेगा।
फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव अ वेबसाइट बाय नेम anurag.com, तो ऑटोमेटिकली लोगों को यहाँ पे आपकी वेबसाइट का लिंक भी दिखेगा. दैट इज ऑप्शनल बट इज अ गुड वे टू शोकेस योर वेबसाइट एज वेल. नाउ अब मुझे लास्ट स्टेप करना है अपने एड का, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वो बहुत ईजी भी है, दैट इंस्टेंट फॉर्म. यानी अब जो लोग मुझे डिटेल भेजेंगे वो कहाँ पे आ जाएंगी, उसके लिए मुझे एक फॉर्म क्रिएट करना है और वो मैं फॉर्म यहाँ से क्रिएट करूंगा, न्यू फॉर्म. ओके, और इस न्यू फॉर्म में क्या है, फॉर्म टाइप. अगर आप देखोगे किस टाइप का फॉर्म चाहिए, मुझे ज्यादा से ज्यादा वॉल्यूम चाहिए, यानी मुझे ज्यादा से ज्यादा लीड्स को अट्रैक्ट करना है. ओके, इंट्रो ऑप्शनल है, आप इस चीज को ऐसे ऑफ भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है इंट्रो रखना. अगर आपको प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो ऑफ ही कर दो, कोई जरूरी नहीं है. सिंपल क्वेश्चंस पे आ जाओ. नाउ क्या क्या क्वेश्चन आप लोगों से पूछ सकते हैं, लेट पीपल नो हाउ द इंफॉर्मेशन दे गिव यू विल बी शेयर्ड. फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी से नंबर पूछते हो तो किस लिए आपको उनका नंबर चाहिए, तो यहाँ पे उनको बता दो, यू नो आई विल यूज योर कॉन्टैक्ट डिटेल्स टू अपडेट यू ऑन बिजनेस. ओके, देन क्या क्या डिटेल आपको चाहिए, आपको ईमेल नहीं चाहिए इसको हटा दो. हाँ, मुझे उनका फुल नेम चाहिए, मुझे उनका फोन नंबर चाहिए. ओके, मुझे उनकी सिटी चाहिए, इन तीन सिटी में वो कहाँ पे रह रहे हैं, जो भी मैंने टारगेट करी है. हाँ, इन केस अगर वो कुछ काम वाम भी करते हैं तो आई शुड आस्क फॉर द वर्क इन्फॉर्मेशन एज वेल. नाउ आप देखो ऐसे सिंपल सा, कोई भी जब मेरे एड पे क्लिक करेगा लर्न मोर पे, तो ऑटोमेटिकली ऐसे कॉन्टैक्ट फॉर्म आ जाएगा. एंड इन दैट कॉन्टैक्ट फॉर्म यहाँ पे वो क्या करेंगे, मुझे अपना पूरा नाम बता देंगे. तो कोई भी यहाँ पे जब अपना फुल नेम लिखेगा, अपना मोबाइल नंबर देगा, अपनी सिटी देगा और यहाँ पे अपना आंसर दे देगा, तो वो सारी डिटेल मेरे पास आ जाएंगी. ओके, लेकिन अभी आई एम नॉट डन येट. ओके, देन यहाँ पे हम प्राइवेसी पॉलिसी पे आ जाएंगे और यहाँ पे मुझे सिर्फ लिंक देना है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है. और यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अपने पेज का लिंक दे सकता हूँ. यू सी, यहाँ पे जाके मैं इसको कॉपी करूंगा और यहाँ एड में मैं अपना लिंक URL भी पोस्ट कर दूंगा. देन लास्ट चीज जो मुझे यहाँ पे करनी है वो है थैंक यू स्क्रीन. यहाँ पे मैं लोगों को बता सकता हूँ, फॉर एग्जाम्पल थैंक यू, इसको मैं पर्सनलाइज कर सकता हूँ. आई हैव रिसीव्ड योर डिटेल्स एंड आई एम सो एक्साइटेड टू टॉक टू यू. आई विल कॉन्टैक्ट यू शॉर्टली. ओके, मैं आपको जल्दी कॉन्टैक्ट करूंगा. देन बिजनेस टाइप, बटन टाइप, व्यू वेबसाइट नहीं, आप मुझे कॉल कर लो, क्योंकि मेरे पास तो वेबसाइट नहीं है. जो भी मुझे डिटेल भेज देगा उनको थैंक यू जाएगा मेरे तरफ से. उसके बाद यहाँ पे मैं उनको एक और कॉल टेक्शन दे सकता हूँ किसी, आप मुझे कॉल भी कर सकते हो. बटन टेक्स्ट कॉल नाउ, आप मुझे अभी कॉल करो. यहाँ पे आप सर्च करो कहाँ के लिए, मुझे इंडिया का अपना नंबर देना, राइट, इंडिया. और यहाँ पे आप अपना नंबर दे दोगे. ओके, फॉर एग्जाम्पल नाउ एक सेकंड, बिकॉज आई हैव टू सेव दिस थिंग एज वेल, तो मैं यहाँ पे एक्चुअल नंबर देता हूँ. ओके, नाउ उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे इसको सेव करूंगा. द मोमेंट आई सेव इट, ऑटोमेटिकली आप देखोगे मेरा जो कॉन्टैक्ट फॉर्म है ये भी सेट हो गया, मैं इसको फिनिश भी कर सकता हूँ. ओके, नाउ मेरा जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो भी इंटीग्रेट हो गया है और मेरा एड ऑल सेट है, कॉन्टैक्ट फॉर्म भी सेट हो गया, राइट. अब बिफोर आई कन्फर्म इट, मैं क्या करूंगा, मैं रिव्यू में जाऊंगा एक बार, सो दैट आई चेक कि क्या क्या हो रहा है इस एड में. अब आप देखो लीड जनरेशन एड है, ये यहाँ यहाँ मैंने टारगेट किया, यहाँ यहाँ मेरा एड दिखेगा, इतना मेरा बजट है इसमें, ये मेरी हेडलाइन है, ये मेरा पिक्चर है. जब हर चीज सही है उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं कन्फर्म पे क्लिक करूंगा. ओके, एंड द मोमेंट आई क्लिक ऑन कन्फर्म, मेरा जो एड है वो कहाँ पे चला जाएगा, वो रिव्यू में चला जाएगा. ओके, और रिव्यू में आपको कैसे पता चलेगा वो रिव्यू में चला गया, यहाँ से जब आप अपने एड टूल में आते हैं. नाउ फॉर एग्जाम्पल जब भी आप अपने एड टूल में आ जाएंगे, जितने भी आपके एड रन हो रहे वो सारे एड आपको यहाँ पे दिखेंगे. ओके, ये देखो आप यहाँ से, अभी मेरा एड ड्राफ्ट में है, मैंने इसको पब्लिश नहीं किया. मैंने इसको पब्लिश किया होता
यहाँ से मुझे बता देता कि आपका जो एड है वो रिव्यू में गया है, ओके। और यहाँ से बजट, मैंने कितना इसमें बजट रखा है, रिजल्ट कितनी लीड्स आ रही है मेरे पास, रीच कितने लोगों तक मेरा ऐड पहुंचा, इंप्रेशन कितने लोगों ने बार बार मेरा ऐड देखा, पर लीड कॉस्ट कितना, अगर मैंने 1500 रुपए का बजट रखा है मुझे पर लीड कितने की रुपए की पड़ रही है, अमाउंट स्पेंड अगर मैंने 1500 रुपए का टोटल बजट रखा है अभी तक 1500 में कितना अमाउंट स्पेंड है, वो सारा मुझे यहाँ से पता चलेगा, ओके। और जितनी भी मेरे पास लीड्स आती हैं वो आफ्टर लाइक यू नो डिफाइंड टाइम इंटरवल वहां पे अपडेट होता है, कहाँ पे, आपके पब्लिशिंग टूल्स में। नाउ इमेजिन आपका जो एड है वो अप्रूव हो गया है, सब कुछ सही हो गया आपके एड में, और 5-6 घंटे बाद आप चाहते हो कि आप एक बार देखो लीड्स कहीं, अब यहाँ पे आपको पता चला कि 10 लीड्स आ गई है, राइट, रिजल्ट में आपको पता चला कि 10 लोगों की लीड्स आ गई है, तो वो आपको कहाँ से मिलेंगे, अपने पब्लिशिंग टूल से। नाउ यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम पेज में जाएंगे, ओके। तो जो ही हम पेज में जाते हैं यहाँ पे एक ऑप्शन आता है पब्लिशिंग टूल्स का, तो यहाँ पे देखो आप पब्लिशिंग टूल्स है, राइट, और पब्लिशिंग टूल्स में क्या होगा, यहाँ पे होगा एक फीचर फॉर्म्स लाइब्रेरी करके नीचे, ये लीड एड फॉर्म्स और फॉर्म्स लाइब्रेरी, राइट। तो जब आप फॉर्म्स लाइब्रेरी पे क्लिक करते हो यहाँ पे क्या होगा, आपकी लीड्स आ जाएंगी, तो आप देखो यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हो अपनी लीड्स को, वो एक्सेल फॉर्मेट में एक्सपोर्ट हो जाएंगी और आप उनके साथ फॉलो अप और अपना रिक्रूटमेंट प्रोसेस शुरू कर सकते हो। नाउ फॉर एग्जाम्पल आपने आज के लिए डाउनलोड करी, उसके बाद दोबारा से आप डाउनलोड करोगे तो आपके पास ऑप्शन आता है, आप सारी लीड्स को एक साथ दोबारा से डाउनलोड करना चाहते हो या कल के बाद की वाली लीड्स को, तो आप इजिली चूज करके वैसे लीड्स को डाउनलोड कर सकते हो और उनके साथ फॉलोअप शुरू कर सकते हो, ओके। सो दैट वॉज ऑल लाइक यू नो अबाउट द एड प्रोसेस, कैसे सेट करना है, क्या क्या बेसिक एलिमेंट्स है, किन किन चीजों का ख्याल रखना है, एंड आई थिंक यू नो टूडे एज वेल वी मेड इट वेरी क्लियर, वी मेड इट वेरी लूसिड टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू कि कितना ईजी एड रन करना, बट यस जो एक्चुअल चैलेंज होता है वो होता है कॉन्टेंट क्रिएट करना, एड सेट करना इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, कोई भी सीख सकता है, लेकिन एलिमेंट चूज करना, स्टॉक कंटेंट डिजाइन करना, एक अच्छा कैप्शन रखना, एक अच्छा कॉल टू एक्शन लाइक यू नो ये एनिमेशन रखना या वीडियो एड बनाना, तो उन चीजों में क्रिएटिव स्कोप की बहुत जरूरत होती है भाई, बिकॉज अगर आपको अपने बजट पे बेटर रिटर्न चाहिए, आपको बहुत अच्छी क्वालिटी लीड चाहिए, बहुत जरूरी है कि आप तरीके से लाइक यू नो एड कॉन्टेंट भी अच्छा क्रिएट कर लो, ओके। तो दैट्स ऑल फ्रॉम मी, नाउ इफ यू हैव सम क्वेश्चन तो मैं फिर वो क्वेश्चन ले लेता हूँ यहाँ से। यस एज अ स्टार्टर 600 पर डे इज अगेन अ रियली गुड बजट, जिसमें प्रॉब्लम नहीं है, आप रन कर सकते हो, ओके। आर देर एनी क्वेश्चंस नाउ या फिर सब क्लियर है, तो होपफुली रिकॉर्डिंग होगा मेरे पास आज का, तो मैं आपके साथ पीपीटी और रिकॉर्डिंग दोनों शेयर करूंगा, एंड आई विल रिकमेंड कि आप एक बार दोनों चीजों को चेक कर लो, ओके। थैंक यू सो मच गाइज, एंड प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, और मैं आपके साथ रिकॉर्डिंग शेयर करता हूँ एंड पीपीटी एज वेल, ओके, थैंक यू।